हेलो फ्रेंड्स, मैं विशु कोकर और आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बाइक पर कैसी आपको बताएंगे। वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, पहले तो बाइक की यहाँ पे आप लुक देखो कि हमने यहाँ पे मॉडिफाई की थी। देखिए पहले लुक कैसी लुक बन रही है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बाइक की। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ जानकारी के लिए, ये हमारी 2014 मॉडल है प्लेटिना। देखिए इसे हमने मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, मतलब ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बट फ्रेंड्स अपने हिसाब से किया है, जितना मतलब चैनल पर ज़्यादा ओवर भी ना लगे, इलीगल भी ना हो। और दोस्तों लीगल तो है ही, मतलब ये थोड़ी थोड़ी लीगल है, थोड़ी थोड़ी इलीगल, ज़्यादा पहले इलीगल, ज़्यादा इलीगल भी थी, बट फ्रेंड्स फिलहाल ये लीगल कर दिया मैंने, लिटिल लिटिल, ज़्यादा तो है नहीं। तो भाइयों बात करने से पहले इसकी जानकारी के प्लेटिना बाइक है हमारी ये, और मॉडल मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की बात, जो हमने लिटिल लिटिल की है इस पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने ये किंग का स्टिकर लगाया है। पहले हमने यहाँ पे एक जाट का लगाया था, वो तो दोस्तों मैंने बताया था आपको किसी ने पाड़ लिया था, बट फ्रेंड्स ये हमने फिर बाद में लगाया, ये वाला तो सही है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब इसके साइलेंसर की। साइलेंसर आपने देखा ही होगा, हमने पहले मुड़ा हुआ साइलेंसर लगा रखा था, बट फ्रेंड्स हमने उसको काटा, और मतलब तब तो ये छोटा था, आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा, हमने साइलेंसर की बहुत सीरीज मतलब सीरीज में बहुत वीडियो बना रखी है इसके साइलेंसर पर, एग्जॉस्ट पर, बट फ्रेंड्स हमें ये इसका यही वाला लगाना पड़ा ओरिजिनल, क्योंकि दोस्तों मैंने वो उसको काट कर उसको इलीगल कर दिया था। पहले तो मैं नॉर्मल था जब मैंने उसमें वो लगवा रखी थी, बट फ्रेंड्स जब मैंने वो यहाँ से काटा वीडियो बनाने के लिए तब वे बहुत लाउड हो गया था। तो दोस्तों और इलेक्शन का टाइम था, मैंने आपको बताया था कि चेकिंग ज़्यादा हो रही थी, तो दोस्तों हमें फिर ये वाला साइलेंसर लगाना पड़ा ओरिजिनल, इसका स्टॉक साइलेंसर। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पीछे से आपको ये और प्लेटिना से अलग देखने को लग रही होगी, क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने इसमें बहुत से चेंजेस कर रखे हैं। पहले ट्रैक्टर को जाने दो, कब करेंगे ये दोस्तों, ऐसे ट्रैक्टर देखने को मिल जाते हैं जो बहुत आवाज़ करते हैं आई सर। सो फ्रेंड्स बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर, ये आपको और प्लेटिना से अलग देखने को मिल रही होगी पीछे से, वो क्यों? तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, एक तो हमने सबसे ये दिख रहा होगा ये कटा हुआ, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल प्लेटिना में तो यहाँ से यहाँ तक आता है ये दोस्तों हमने कट कर रखा है, और कट करके इस पर लगा रखी है दोस्तों नंबर प्लेट ये छोटे वाली, और दोस्तों जो इसकी HSRP वाली नंबर प्लेट आ दिया वो तो हमने हटवा रखी है, बट फ्रेंड्स हमने ज़्यादा इलीगल कर नहीं रखा, क्योंकि जो हम आगे की तरफ आए आगे की तरफ को देखने को मिलती है हमें यहाँ पे INDI वाली HSRP वाली नंबर प्लेट, जो हम आगे वाली भी हटाते फिर तो ये इलीगल हो जाता, बट फ्रेंड्स ये हमने ये वाली नहीं हटाई, ये कस्टमाइज नहीं करवाई, पीछे वाली करवा रखी है, जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा है। इस पर यहाँ पर मैंने नीचे नंबर लिखवा रखा है, और ऊपर यहाँ पर एक बार चपवा रखा है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे गोल्डन पैंच लगवा रखे हैं, वो तो हमारी चॉइस थी कैसे पैंच लगवा सकते हैं, बट फ्रेंड्स मैंने ये प्रीफर किया गोल्डन लगवाने को, क्योंकि ये इसमें अलग से दिख रहे हैं देखिए। और फ्रेंड्स बात करें इधर, ये आप सोच रहे होंगे इसमें यहाँ पे छेक कहीं के हैं, ये दोस्तों आपने देखा होगा जो पहले स्प्लेंडर आती थी उसमें यहाँ पे इसका मडगार्ड आता था, वो खुलने वाला, मतलब स्प्लेंडर 2010 मॉडल आती थी उसमें खुलने वाला आता था, नीचे को लग जाता था। तो दोस्तों हमने वो आपने देखा होगा, हमने मडगार्ड में मॉडिफिकेशन की थी इसको काटने के बाद, वो रिमूवेबल किया था, इसमें यहाँ पे छेक किए थे उसमें, और ये लग जाता है, इसको हम पूरा भी लगा सकते हैं, वो भी रखा है मेरे पास, और ऐसे भी चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब रेनी सीज़न आता है, क्योंकि मतलब कीचड़ वगैरह फेंकती है बाइक, तब मैं उसे लगा लेता हूँ, और नहीं तो वैसे तो ऐसे चली रही है, क्योंकि ऐसे अच्छी लगती है। और दोस्तों ये, और आप ये और देख रहे होंगे एक, ये टूटा हुआ नहीं दोस्तों, ये तो मैंने वैसे ही काट रखा है, बट फ्रेंड्स देखिए जो ये है इसका यहाँ पे ये गार्ड होता है ये पकड़ने का टेल गार्ड, ये दोस्तों उतर रखा है, ये हमने तार रखा है ये, क्योंकि दोस्तों ये जैसे कि हमने दोस्त की स्प्लेंडर मॉडिफाई करवाई थी वो भी उतार दिया था ये। और फ्रेंड्स आप ये इग्नोर करना, क्योंकि इस पर यहाँ पे टेपिंग होगी पूरे पर, यहाँ पे टेपिंग होकर और इस पर स्मोक करवा देंगे, और या फिर दोस्तों ये पूरी टेल ही बदलवा देंगे पीछे वाला। और दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और नहीं आती, क्योंकि दोस्तों आपने सोचा होगा जो हमने स्प्लेंडर का उतारा था ये, तो हमने टेल मतलब टेल पत्ती लगवाई थी जब ही 2-3 दिन बाद ही, क्योंकि दोस्तों स्प्लेंडर की सीट छोटी आती है और उसकी ये टेल सीट के बराबर होती है, तो उसमें टूटने का डर रहता है, डर क्या दोस्तों वो टूट जाती है स्प्लेंडर में, तो पहले इतना में टूटती नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने मेरी ये पहली वीडियो देखी होगी, हमने बहुत दिन पहले उतारा था ये इसका टेल गार्ड, और ये अभी तक टूटा नहीं, और ये आप सोच रहे होंगे ये तो दोस्तों पहले का ही टूट रखा है, ये चिपका रखा था, बट फ्रेंड उस दिन से बाद में कभी नहीं टूटा है, क्योंकि दोस्तों प्लेटिना की सीट लंबी आती है और ये इसमें नीचे भी आता है, ये प्लेटिना में टूटने का मतलब नहीं होता, क्योंकि नहीं तो हम जुगाड़ करके इसमें पत्ती लगवा लेते, टेल पत्ती जैसे हमने लगवाई थी स्प्लेंडर में। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये आपको एक चीज़ और खटक रही होगी बाइक में, मुझे भी खटक रही है इसका टायर, वो दोस्तों मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है,
ये दोस्तों फिलहाल तो इसमें जो प्लेटिनम में टायर आता है ये दोस्तों नॉर्मल है, मतलब ये 80 या 90 नंबर होगा, एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं, बट फ्रेंड्स वो आपको मैंने बता देना आपको कितने नंबर का लग रहा है। और वो मैंने बोला कि मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप सोचेंगे कैसे, ये दोस्तों मैंने बोला था कि हम 1500 सब्सक्राइबर पर इसका टायर चेंज करेंगे, तो दोस्तों हम 1500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जब इसका करेंगे टायर चेंज, वो आपके ऊपर है, जब आप करवा देंगे, जब इसका करा देंगे हम, जब आप करा देंगे 1500 सब्सक्राइबर्स उसी दिन करा देंगे हम इसका टायर चेंज, वो तभी बता देंगे, पोल कर देंगे, मतलब 110 नंबर डलवाएंगे 120, क्योंकि दोस्तों 100 नंबर तो होता है बहुत छोटा, 110 90 18 या 120 90 18 वो साइज़ का टायर डलवाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और सोच रहे होंगे आप, ये नहीं दोस्तों, लेडीज फुटरेस्ट उसकी बात आगे करेंगे, ये चैन कवर, ये दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों जो नीचे वाला चैन कवर है वो तो हमारा टूट गया था, और जो ऊपर वाला है ये दोस्तों ब्लैक था, ब्लैक ही आता है ऑफकोर्स, बट फ्रेंड्स हमने उस पर सिल्वर कलर कर दिया था, और फिर ये मैंने बाइक के स्टिकर उतार दिए थे तो उससे मैच नहीं खा रहा था ये, तो बाइक अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर तो ब्लैक ब्लैक थी, बट फ्रेंड्स नीचे वो सिल्वर अच्छा नहीं लग रहा था, वो हमको फिर ऊपर वाला भी उतारना पड़ा। और दोस्तों आपको हो गया तो उसको लगा देंगे, बट फ्रेंड्स उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब हम इसमें टायर डलवाएंगे चाहे हम 110 भी डलवाएं, बट फ्रेंड्स फिर ये अड़ेगा जो हम 110 नंबर टायर डलवा लेंगे। और जो मैंने पहले बताया था इसका ये लेडीज़ फुटरेस्ट वो हमें उतारना पड़ा, वो क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए उससे लुक आती है अच्छी, प्रॉब्लम तो आती है कि उस पर लेडीज़ नहीं बैठा सकते हम, मतलब बॉयज वगैरह तो जो ऐसे बॉयज होते हैं वो तो बैठ लेंगे, लेडीज़ नहीं बैठ सकती। और फ्रेंड्स देखिए, और चैन दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे ये इसका भी इलाज करेंगे, ये या तो न्यू डलवाएंगे, ये बहुत ग्रीस जमा है, या इसको डीजल से साफ कर देखेंगे आप एक बार, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो दोस्तों आपकी एक बार यहाँ से दिखाऊँ, आपकी एक चीज़ पर वो नज़र जा रही होगी, ये इसके एलॉय व्हील पे यहाँ पे सिल्वर सिल्वर क्या हो रहा है, ये दोस्तों क्योंकि जो एलॉय डलवाते हैं हम उसमें ही आता है ये, उनमें तो आता है सिल्वर क्रोम, बट फ्रेंड्स इसमें वाइट वाइट वो लगवा रखी है मैंने, मतलब रेडियम टेप ये वाली, ये वैसे जो मैं लेमिनेशन लगवाता इस पर वो तो उतर जाती, बट फ्रेंड्स जो रेडियम टेप होती है ये उतरती नहीं। देखिए ये कम से कम लगी थी, ये तो बहुत दिन पहले लगवाई थी, जब ये ली थी कम से कम 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले लगवाई थी। तो दोस्तों मैं आपको टाइम बता दूँ टाइम कितना हुआ है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये बार दिखा देते हैं आपको, हमारी वीडियो भी डलने वाली है इसी वजह से दिखाया आपको। देखिए दोस्तों 5:59 मतलब 6 बजने वाले हैं एक मिनट में, और हमारी वीडियो भी डलने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा हम 6 बजे वीडियो डालते हैं डेली। देखिए दोस्तों 6 बज गए हैं, वीडियो आ गई होगी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन, ये वीडियो तो बाद में डलेगी, बट फ्रेंड्स 6 बजे वीडियो डल जाती है हमारी, ये भी 6 बजे डलेगी अगले दिन। और दोस्तों देखिए, और फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे ये हमने पहले आपने वीडियो में देखा था, हमने ये इसका कट करवाया था, मॉडिफाई करवाया था, बट फ्रेंड्स हमको ये फिर इस पे वेल्ड लगवाना पड़ा। देखिए देखिए वेल्ड लगकर, और ये वेल्ड लगवा कर फिर हमने पहले तो काट दिया, जो इस पर वेल्ड लगवाया इसको मतलब फिनिशिंग दे दी थी घिसकर, और फ्रेंड्स अब तो ये मतलब अच्छा लग रहा है, लगता तब भी रहा था, बट फ्रेंड्स मैं तो चला लेता था बट और पर नहीं चल रही थी ये, मतलब पापा वगैरह पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी चलाने में, क्योंकि उन्हें वैसी की आदत है वैसे चलाने की ऐसे गियर सिस्टम में, और आदत तो पड़ जाती है इसकी, बट मैंने फिर भी सोचा मगर इसको बदलवा ही दूँ, तो दोस्तों ये बदलवा दिया था हमने। और यहाँ पे दिखाऊँ आगे, ये इस पर ये कैम लगवाई थी तो पहले ही लगवाई थी दोस्तों, ये भी पहले ही, ये यूट्यूब का लोगो तो मैंने अभी लगवाया था, ये इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, और ये तो आपने देखा ही था, ये फरारी का लगवाया था स्टिकर, और पीछे लगवाया था एक यहाँ पे वार्निंग का टाई बेल्ट टो बेल्ट, वो दोस्तों हमने उस साइलेंसर के साथ लगवाई थी छोटे वाले के, अब इसमें तो वो चमकेंगी नहीं जब ये बड़ा साइलेंसर है, तो वो दोस्तों हमने उतार दी। और दोस्तों और मॉडिफिकेशन की बात करें, और तो इसमें हमने इतनी खास कर नहीं रखी, और तो ये छोटी छोटी हमने इसके इंडिकेटर रिमूव किए थे पहले, वो फिर लगा दिए, पहले तो इसके जलते थे, फिर हमने जब इसके रिमूव किए और तब ये कनेक्शन नहीं हुआ, जब इसके हम लगाने रिमूव कर लगा रहे थे, फिर मैंने आपको कहा अभी तो इसके कनेक्शन नहीं हुए, मतलब वीडियो में कहा था कनेक्शन नहीं हुए, जो आपको हो गए इसके चारों इंडिकेटर, मतलब जार्ड सिस्टम करना है, चारों इंडिकेटर एक साथ चलने वाला, वो आप कमेंट कर देना, फिर आपको ने आपने कमेंट की नहीं, आपको अच्छे लगते होंगे जार्ड इंडिकेटर, तो दोस्तों हमको भी हटाने पड़े, फिर दोस्तों मतलब हमने वो जार्ड सिस्टम किया ही नहीं, वो दोस्तों आप जो बोलोगे हम इसके ये इंडिकेटर हटा देंगे, फिर से रिमूव कर देंगे जो आप कमेंट करोगे। और फ्रेंड्स देखिए इतना ही कुछ था फ्रेंड्स, और जब आपको इस बाइक में और मतलब मॉडिफिकेशन की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, टायर तो हम बदलवाएंगे इसमें,
110 नंबर का या 120 का, वो आपके ऊपर निर्भर है, मतलब आप बताओगे, मेरा तो कुछ नहीं, जो आपको पसंद होगा वही करेंगे। और दोस्तों आप इस बाइक पर जो भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो बस कमेंट कर दें एक बार, आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगी। और फ्रेंड्स, इसका अगला मडगार्ड रिमूव करें या नहीं, टायर तो इसमें बाद में डलवाएंगे, पहले पीछे वाला डलवाएंगे, बट फ्रेंड्स पहले एक बार देखेंगे इसकी मडगार्ड उतार कर कैसी लुक आती है। मेरा एक बार मडगार्ड उतार के देखने को मन कर रहा था, जो आप कमेंट करोगे इसका मडगार्ड उतार कर एक बार आपके लिए भी वीडियो डाल देंगे, मडगार्ड उतार कर इसकी लुक चेक करा देंगे ये, तो आप कमेंट कर देना दोस्तों। और ये ओरन ब्लैक था, ये हमने सिल्वर इसका कलर बाद में किया था। ये तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ हैं, देखिए फ्रेंड्स अगला टायर तो अभी चल जाएगा कुछ दिन, बट पीछे वाला चेंज कराएंगे पहले, आगे वाला अभी नहीं कराएंगे। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में था इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।